हाय फ्रेंड, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको ऐसी जगह ले चलूंगा जो राजस्थान की बहुत ही फेमस, जो कि खीर बनाई जाती है, जो सेवैया तैयार की जाती है। कैसे तैयार की जाती है मैं इस वीडियो में सारी कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगा। ये देखिए, जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसी सेवैया आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, मैं आपको यहाँ परिवार में बन रही है तो मैं आपको गरीबा चल के दिखाता हूँ कैसे बनाई जाती है और कैसे तैयार किया जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, मैं आपके सामने ले आया हूँ बहुत। फ्रेंड, आज मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं राजस्थान की फेमस डिश जो कि आपको सेवैयाँ दिखा रहा हूँ। ये सेवैयाँ कैसे तैयार होती है, कैसे बनाया जाता है, मैं सारी डिटेल आपको बताऊँगा इस वीडियो में। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सेवैया मिली है। ये देखिए, ये दूसरी चारपाई के ऊपर लगा हुआ है, जो कि मैं आपको प्रॉपरली ये बताऊंगा कैसे बनाई जाती है और कैसे बनती है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा कवर करके बताऊंगा कैसे बनाई जाती है। ये देखिए, ये आटे को इसे गूंद कर इसको रखा जाता है प्रॉपरली, और इसे आटे को थोड़ा सा टाइट रखा जाता है, और रखते हुए भी इसको देखिए ये डाल रहे हैं इसके अंदर। धीरे धीरे इसको इसे घुमाएंगे तो इसको प्रॉपरली राजस्थान की फेमस डिश जो कि सवैया है, देखिए बन के तैयार हो रही है। सवैया बहुत ही अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक हाथ से। ये देखिए, बहुत ही अच्छी अच्छी सवैया निकल रही है, देखिए घुमाते रहिए। राजस्थान की फेमस है जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगी। देसी के अंदर मिला के भी खाया जाता है और पानी के अंदर भी डाल के इसको उबाल के सुखाया जाता है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में ये प्रॉपर काम होता है। आप देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। इधर से इसके अंदर आटा डाला जाता है थोड़ा सीखा सूखा सूखा, और इसको घुमाते हुए बात यहाँ आ जाएगी। देखिए ये नीचे निकल रही है सेवैया, जो कि बहुत ही अच्छे से आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर। ये देखिए, जैसे कि ये आटे का बना हुआ है, आटे का इसके अंदर डालेंगे तो ये इसको घुमाते जाएंगे और इसको इसे जाएंगे नीचे प्रॉपरली सेवैया निकलती जाएगी। आप देखते हैं वीडियो में, प्रॉपर आपको बताऊंगा कैसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको देख रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, एक थाली के अंदर इसके अंदर रखी हुई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको रक्षाबंधन के मौके त्योहार पे ऊपर इसको बहुत ही अच्छे से बनाया जाता है राजस्थान के अंदर, बहुत ही खूबसूरत जो कि इसको तैयार किया जाता है। ये देखिए, मैं आपको सुखा के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इसको धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद 3-4 घंटे बाद में इसको सुखा दिया जाता है, 3-4 घंटे तक यहाँ पे रख दिया जाता है। सूखने के बाद में ये तैयार हो जाती है यहाँ की सेवैया, जो कि यहाँ पे आपको फेमस डिश है देखने को मिलेगी। ओके, कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई, इसको उबाल के शाम के टाइम में बना के आपको खाते समय भी बनाएंगे किस टाइप की खीर बनती है, और प्रॉपरली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे तैयार होती है, क्या होती है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये हमारे राजस्थान की डिश, ये जो कि आटे को गूंद के ये बनाया जा रहा है, देखते रहिए। ठंडे पानी में इसको, ठंडे पानी के साथ में इसको मिक्स किया जाता है। आटे को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, एकदम आटा एकदम नॉर्मली रखना है, टाइट रखना है, और टाइट रखते हुए भी इसके बाद में धीरे धीरे ऐसे बना लेने हैं। ये सेवैया की जो मशीन आती है, इसको अंदर आटे डालते समय धीरे धीरे घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, धीरे धीरे अपनी सेवैया तैयार हो जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।